वालेकुम। आज हम बनाएंगे केक चुकंदर के साथ में। और हमने लिया है एक चुकंदर, इसको अच्छे से धोकर हमने छीलकर काट लिया है। एक कप चीनी लेंगे और लेंगे 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल। इसका हमने एक पेस्ट बना लिया है, ये देखिए इस तरीके से हम पेस्ट बना लेंगे। 3 अंडे की हमने सफ़ेदी ले ली है और इसकी जर्दी अलग रख दी है। अब इसको अच्छे से बीट करेंगे। अंडे की सफ़ेदी हमने अच्छे से बीट कर ली है। अब एक एक करके अंडे की जर्दी को डालेंगे हम और इसको भी बीट करेंगे। डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब धीरे धीरे हम चुकंदर की प्योरी इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। एक कप हमने मैदा लिया है और एक टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हम लेंगे बेकिंग सोडा और इसको छान लेंगे। अब मैदा के मिक्सचर को हम अंडे के मिक्सचर में मिक्स करेंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और एक केक टिन में हमने थोड़ा ऑयल से इसको ग्रीस करके मैदा से डस्ट कर लिया है। अब बैटर को हम इसमें डाल देंगे, इसको थोड़ा टैप करेंगे। 180 डिग्री प्री हीट ओवन में हम इसको 25 से 30 मिनट बेक करेंगे। एक टूथपिक से हमने देख लिया है ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। करीब 26 मिनट इसको लगे हैं और इसको हम ठंडा करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद में। देखिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, देखिए कितना स्पंजी हमारा केक बनके तैयार हुआ है चुकंदर का। आप भी ज़रूर बनाएं, बीटरूट केक बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसके 2 पार्ट कर लिए हैं हमने इसके, और 1/2 कप हमने व्हिप क्रीम ली है और इसको भी थोड़ा व्हिप करेंगे। Thank you.
क्रीम को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसको इस तरीके से हम लगाएंगे और शुगर सिरप लगाएंगे हम केक के ऊपर, आधे हिस्से के ऊपर हमने शुगर सिरप लगा दिया है और क्रीम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब केक का दूसरा हिस्सा भी हम रखेंगे और इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगाएंगे और क्रीम से इसको अच्छे से कोट कर देंगे। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे करीब एक घंटे के लिए। व्हिप क्रीम जो हमारी बची हुई थी उसमें हमने चुकंदर का थोड़ा पेस्ट डाल दिया है और इसको हम पिंक कलर का कर लेंगे। एक घंटे के बाद में हमने केक निकाल लिया है और इसको डेकोरेट करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको सजा दिया है। बहुत ही बढ़िया हमारा केक बनकर तैयार हुआ है और हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है, सिर्फ हमने बीटरूट का ही इसमें इस्तेमाल करा है। आप भी इसी तरीके से बनाएं। लीजिए बनके तैयार है बीटरूट केक। इस वैलेंटाइन पर आप ज़रूर बनाएं। रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में अपने कमेंट्स दें। कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।